गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश टू ऑल ऑफ यू ए वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. सबसे पहले आज मैं आपको 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ. आज के दिन आपको पता है हमारा देश आज़ाद हुआ था, और साथ ही आज हम चैप्टर फोर, टुडे वी स्टार्ट आवर चैप्टर फोर्थ ऑफ इकोनॉमिक्स एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, वैश्वीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था. बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड, दैट इज द ग्लोबलाइजेशन. क्या है वैश्वीकरण, क्यों आया वैश्वीकरण, कब हमने इसको अडॉप्ट किया, तो इस सारी चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस रहेगा कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, और बाद में हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन ओवर द इंडियन इकोनॉमी. सो लेट अस स्टार्ट अवर जर्नी ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15th of August 1947. एट दैट टाइम इंडिया वॉज नॉट ए इंडस्ट्रियलाइज कंट्री. भारत औद्योगिक रूप से इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, पिछड़ा हुआ देश था, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था वो 1960s के अंदर आना शुरू हुआ था. तो 1947 से लेकर हम क्या करते थे, रॉ मटेरियल को तो क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे. रॉ मटेरियल हमने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट. और जो इम्पोर्ट करते थे वो हम क्या करते थे, फिनिश प्रोडक्ट्स. जो फिनिश प्रोडक्ट्स होते थे, उत्पादित वस्तुएं होती थी, उन्हें हम क्या करते थे बच्चों, इंपोर्ट करते थे. ये करैक्टरिस्टिक्स थी इंडियन इकोनॉमी की. ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उस समय हमारे पास औद्योगिकरण नहीं था. बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोटेक्शन पॉलिसी अपनाई, जिसके दौरान उन्होंने क्या डाले, टैरिफ बैरियर्स. टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं, इम्पोर्ट को कंट्रोल करने के लिए, किसी देश की कितनी वस्तु हमारे देश में आएगी उसको कंट्रोल करने के लिए क्या लगाए गए, ट्रेड बैरियर्स लगाए गए या टैरिफ बैरियर्स लगाए गए. ट्रेड बैरियर्स. अब जो ट्रेड बैरियर्स लगाए थे उसका एक रीजन था, वो क्या था, टू गिव प्रोटेक्शन टू आवर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. उस समय हमारे जो उद्योग थे वो उस अवस्था में नहीं थे कि वो विश्व के उद्योगों के साथ क्या कर सके, कंपटीशन कर सके. यही कारण था कि 1947 से लेकर और 1991 तक इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन पॉलिसी अपनाई, जिसके तहत ट्रेड बैरियर्स लगाए. अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मान लेते एक चाइनीज टॉयज है, चाइनीज टॉयज का इंडियन मार्केट में प्राइस कितना है, 10 रुपीज, और इंडियन टॉयज जो है उसका 20 रुपीज. ऑब्वियसली कौन सा खिलौना ज़्यादा बिकेगा, चाइनीज टॉयज बिकेगा, क्योंकि उसका जो प्राइस है काफ़ी क्या है, चीप है, और इसके डिज़ाइन भी काफ़ी क्या है, अट्रैक्टिव है. तो मैं बात कर रहा हूँ 1947 से और 1991 के बीच, व्हेन इंडियन गवर्नमेंट पुट ट्रेड बैरियर्स इन द पाथ ऑफ ट्रेड, जब वस्तुओं के लेन देन में ट्रेड बैरियर्स इंडियन गवर्नमेंट ने लगा रखे थे. अब इंडियन गवर्नमेंट क्या ने क्या किया इस कंडीशन में, अब इंडियन खिलौने बिक नहीं रहे, इंडियन टॉयज तो बिक नहीं रहे मार्केट के अंदर. यही कारण था कि उन्होंने चाइनीज टॉयज के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी 20 रुपीज. अब कॉस्ट ऑफ चाइनीज टॉयज कितना हो गया, 30 हो गया, और इंडियन टॉयज कितना हो गया, 20. तो अब कौन सा खिलौना ज्यादा बिकेगा, इंडियन टॉयज बिकेगा. यही पॉलिसी को क्या कहा जाता है, पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन टू इंक्रीज द ट्रेड बैरियर्स टू कंट्रोल ओवर द इंपोर्ट ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज इन द कंट्री. तो ये जो प्रोसेस था ये 1947 से और 1991 तक चला. ये एक सिंपल प्रोसेस था जिसके अंदर छोटे उद्योगों की रक्षा करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ व्यापार अवरोधक लगाए, ट्रेड बैरियर्स लगाए, जिसके तहत छोटे उद्योगों की रक्षा की गई ताकि वो उनको समय मिल सके क्या करने का, अपना डेवलपमेंट करने का. अब बात आती है 1991 कि 1991 में ऐसा क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी को अपनाया जिसका नाम क्या था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. इससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं,
एट दैट टाइम हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन इंडिया एडॉप्टेड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? पीएम जो थे हमारे वो कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव. कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे. इन पॉलिसी को लाने का जो क्रेडिट दिया जाता है वो मनमोहन सिंह जी को दिया जाता है. आप सभी जानते होंगे मनमोहन सिंह उस समय में वो इंडिया के क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे. क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर. किसके कैबिनेट में? पीवी नरसिम्हा राव. ये देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेट ये खिलाड़ी बहुत अच्छे थे लेकिन एक कैप्टन अच्छे नहीं बन पाए. वो आप सभी को पता है कि ड्यूरिंग 2004 से और 2014 तक ये देश के प्राइम मिनिस्टर रहे थे, बट ही वॉज ए पपेट इन द हैंड्स ऑफ सोनिया गांधी एंड यू नो अबाउट द कांग्रेस लीडरशिप. ओके, सो दिस पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर मनमोहन सिंह अंडर द लीडरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव. अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तीन कॉम्पोनेंट थे. कौन कौन से थे? फर्स्ट था ग्लोबलाइजेशन, दूसरा था लिबरलाइजेशन और तीसरा था प्राइवेटाइजेशन. इंडियन गवर्नमेंट ने ये तीन कॉम्पोनेंट किसके अंडर में लिए? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर में लिए. एक वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण. अब बात आती है कि 1947 से हमने अपनी आज़ादी की यात्रा शुरू की और 1991 में हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को क्यों अपनाया. उसके बहुत से कॉजेस थे, उसमें से जो इम्पोर्टेंट कॉज है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ. सबसे पहला था फॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. भारत के अंदर जो विदेशी मुद्रा थी उसकी क्या हो गई थी? काफ़ी कमी हो गई थी. दूसरा एक इन्फ्लेशन भी इसका एक रीजन था. इन्फ्लेशन, महंगाई इसका एक बहुत बड़ा क्या था? कारण था. और हमारी जो इकोनॉमी थी वो क्या हो गई थी? स्टेग्नेंट हो गई थी, इट मीन स्थिर हो गई थी. ये कुछ एक ऐसे कारण बने कि इंडियन गवर्नमेंट को 1991 के अंदर क्या करना पड़ा था? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाना पड़ा था. अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई वो 1991 में लॉन्च हुई. उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव. और उसके बाद जो चेंजेज आए वो आज आपके सामने है कि आज इंडियन इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि उसी के बाद से इंडियन इकोनॉमी का एक नया दौर क्या हो गया था? शुरू हो गया था. अब कौन कौन से चेंजेज हुए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसको क्या कहा जाता है? LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन. तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज हुई वो क्या हुई कि इसके अंदर जो रिजर्व सेक्टर थे ओपन फॉर इंडिविजुअल्स. बिफोर 1991 इंडिया के अंदर केवल और केवल पब्लिक सेक्टर को इंपोर्टेंस दी जाती थी. मोस्टली वर्क वॉज अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर. बट 1991 में एक पॉलिसी थी, लाइसेंस पॉलिसी, इसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया. और उसके बाद इंडिविजुअल्स जो प्राइवेट लोग थे उनको अलाउ कर दिया गया टू सेटअप दियर इंडस्ट्री इन आर कंट्री इंडिया, ताकि वो अपने देश के अंदर क्या लगा सके? उद्योग लगा सके. इसके बाद एक और फायदा हमें पहुंचा कि उस समय डीवैल्यूएशन किया गया था मनी का, मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था. अब डीवैल्यूएशन क्यों किया जाता है? ध्यान से सुनना. डीवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन करेंसी टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट. निर्यात को बढ़ाने के लिए डीवैल्यूएशन किया गया. किसका? इंडियन करेंसी का. आपको पता है इंडियन करेंसी का जो सिंबल है वो क्या है? रुपी है. जिसको किसने बनाया था? डी उदय कुमार. 2011 में बनाया था. अब इस करेंसी को डीवैल्यूएशन करने का क्या मतलब था, क्यों किया गया था? जब भी किसी देश की करेंसी जो होती है उसका जो बाहरी मूल्य होता है वो तो क्या हो जाता है? कम हो जाता है दूसरे कंपैरिजन के अंदर. दूसरे, जैसे हम डॉलर से कंपैरिजन करें इंडियन करेंसी को, तो वो तो क्या हो जाए? कम.
लेकिन हमारे इंडिया के अंदर जो हमारे इंडियन करेंसी का मूल्य क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तब हमें क्या करना पड़ता है, डिवेल्युएट करना पड़ता है मनी का। और डिवेल्युएशन काफी बार किए गए इंडियन हिस्ट्री के अंदर, इंडियन फाइनेंशियल हिस्ट्री के अंदर। इसके दोनों इंपैक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकते हैं। तो ये सारे काम किसके अंडर में किए गए थे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर में किए गए थे। नाउ वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट फर्स्ट दैट व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। सो ग्लोबलाइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस इन आवर कंट्री इंडिया इन 1991 अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ पी वी नरसिम्हा राव एंड द क्रेडिट गोज टू मिस्टर मनमोहन सिंह। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन यहां पर लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। इट इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दैट इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है, या इंटरडिपेंडेंस अमंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के जो जितने भी देश हैं उनके आपस की जो पारस्परिक निर्भरता है उसी को क्या नाम दिया जाता है, वैश्वीकरण नाम दिया जाता है। नो वन कंट्री इज टोटली डिपेंडेंट ऑन इटसेल्फ। कोई भी ऐसा देश नहीं है विश्व के अंदर जो अपने आप पर क्या करता हो, आत्मनिर्भर हो। उसे किसी न किसी वस्तु के लिए क्या करना पड़ता है, दूसरे देश के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने देश इंडिया का। इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा होता है वो मक्का होता है, टी होता है, मान लेते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं। तो इंडिया जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर इट मीन्स वो जो दुनिया को भेजता है, वो क्या भेज रहा है, मान लेते हैं मक्का भेज रहा है और चाय भेज रहा है, टी भेज रहा है। लेकिन इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर। अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो भारत इंपोर्ट भी कर रहा है, जैसे क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है, जैसे टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर रहा है, बहुत सी ऐसी वस्तु, जैसे डिफेंस इक्विपमेंट को क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। तो बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं कि इंडिया जिसके अंदर आत्मनिर्भर है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनको इंडिया बाहर विदेशों से क्या कर रहा है, मंगवा रहा है। और इसी आत्मनिर्भरता को क्या नाम दिया गया है, ग्लोबलाइजेशन नाम दिया गया। So dear students, what is globalization? Globalization means the integration of the different economies of the world or the interdependence among the different countries of the world, that is known as globalization. So it is some basics of this globalization, that globalization came into in our country India in 1991 when Mr. Manmohan Singh was the finance minister of India and P.V. Narasimha Rao was the Prime Minister of India. So let us start this chapter with that today at present time the different countries, they are interdependent on each other, and what is the impact of this globalization over the Indian economy. So you know that globalization is the increasing interaction of people, states and countries through the growth of international flow of money, ideas and the culture. So what is globalization? Globalization means that interaction between the people, between the states, between the countries and flow of. अब कितने flow शामिल किए गए हैं? Flow money का भी हो रहा है यहाँ पर, goods का भी हो रहा है यहाँ पर और culture का भी हो रहा है। तो ये ग्लोबलाइजेशन के फ्लो हैं, तीन फ्लो माने जाते हैं, मनी, गुड्स, कल्चर। इनके अंदर थॉट्स भी आते हैं कि विचारों का भी क्या होता है, आदान प्रदान होता है, वो किसके तहत होता है, ग्लोबलाइजेशन के तहत होता है। अब बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं इकोनॉमी के अंदर आफ्टर 1991। तो आज केवल हम बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, क्यों भारत में आया, क्या इसके इम्पैक्ट पड़े, क्या ऐसे कारण थे कि ग्लोबलाइजेशन को भारत में लाना पड़ा, क्यों न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को भारत के अंदर लाना पड़ा। तो अब हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। तो आज का जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन
इकोनॉमी। आज भारत की अर्थव्यवस्था पर हम कौन से ऐसे प्रभाव दे सकते हैं किसके बेटा, ग्लोबलाइजेशन के। फर्स्ट पॉइंट हम क्या कर देंगे, नाउ कंज्यूमर्स हैव ए वाइड चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस। आज हमारे उपभोक्ताओं के सामने मार्केट के अंदर बहुत से क्या है बेटा, वस्तुएं उपलब्ध हैं, सेवाएं उपलब्ध हैं, जिसका वो क्या कर सकते हैं, इजीली उपयोग कर सकते हैं। ये सब किसके कारण से हुआ है, ग्लोबलाइजेशन के कारण से हुआ है, क्योंकि जो डिफरेंट इकोनॉमीज हैं वो क्या हो गई हैं, आपस में एक हो गई हैं। यही कारण है कि आज जो डिफरेंट वराइटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो आज कंज्यूमर के पास अवेलेबल है। और इसका एक सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है एट अफोर्डेबल प्राइस। क्या बिल्कुल कम कीमत पर और अच्छे हमारे पास क्या है, साधन आज मार्केट के अंदर उपलब्ध हैं। और इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो क्या है बच्चों, ग्लोबलाइजेशन है। दूसरा हमारे पास क्या है, लेटेस्ट मॉडल्स ऑफ डिजिटल कैमरास हमारे पास, टेलीफोन, मोबाइल्स एटसेट्रा। आज ग्लोबलाइजेशन के कारण ये जो लेटेस्ट मॉडल है ये आज हमारे मार्केट के अंदर अवेलेबल है। ये भी किसका इंपैक्ट है बच्चों, ग्लोबलाइजेशन का क्या है, इंपैक्ट है। इसके बाद और कौन कौन से, आज हम इंडियंस जो है ब्रांड कॉन्शियसनेस हो गए हैं। क्या हो गए हैं, ब्रांड्स कॉन्शियसनेस। इट मीन्स आज हम एक बहुत अच्छे आईफोन, एप्पल जो है ब्रांडेड, जो शर्ट है ब्रांडेड, हमारे पास कार्स हैं वो अवेलेबल हैं, वो भी किसके इंपैक्ट के कारण है, ग्लोबलाइजेशन के इंपैक्ट के कारण है। इसके अलावा आज जो इंडियन से टॉप मॉडल की जो क्या है, टॉप कंपनीज की जो कारें हैं, मैं आपको बताऊं कि 1991 से पहले केवल दो कंपनी की कारें जो थी वो सड़कों पर दौड़ती थी, एक थी एम्बेसडर और एक थी फियर। लेकिन आज आप वर्ल्ड की जो सबसे टॉप कंपनी है उनकी कारों को आज आप इंडियन सड़कों के ऊपर दौड़ते हुए देख सकते हैं। ये सब किस कारण से हुआ है, ये सब किसके कारण से हुआ है, ग्लोबलाइजेशन के कारण से हुआ है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे जस्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। इट इज अ सिंपल डेफिनेशन दैट इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड और द इंटरडिपेंडेंस अमंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। Why globalization came into India? Why Indian government adopted globalization or the liberalization or privatization? It means the new economic policy. Because at that time, the Indian economy became stagnant. उसमें स्थिरता आ गई थी and falls of foreign exchange reserves, विदेशी मुद्रा का जो भंडार था वो भारत में कम हो गया था and inflation was the cause that Indian government adopted the new economic policy. What happened after that? These are the effects. Good effects of globalization. So today just we are discussing about the globalization and its impact over the Indian economy. Thank you and have a nice day.